महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। ओके, हाय भाई लोग, कैसे हो सारे? तो क्या हाल है आप लोगों का? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो पे अपन लोग आप सबको स्वागत करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो पे अपन लोग बात करने वाले हैं कि एपीपी मोड में आपको खेलने के बाद क्या क्या गलती हो सकती है और उसको कैसे सुधारे। जैसे कि मैं गलतियाँ कर चुका हूँ और ये एपीपी मोड भी खेल रहा हूँ और मेरे को थॉमसन मिला और सोचा कि ना थॉमसन ले लूँ। और 4.5 की जो मैंने जैसे कि थॉमसन मिला एक और विक्टर मिला, तो मैंने सोचा कि इन दोनों से खेल लेता हूँ, थोड़ा चैलेंज भी हो जाएगा। एपीपी मोड में मैंने क्या क्या गलती की वो भी सुधार जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोचिंग की मैं उतरा था और कोचिंग की मैं बंदे तो उतना नहीं था, लेकिन जो है एपीपी मोड में रहता क्या है कि आपका जो सामने का इंटेंस फाइट रहता है, आपका जो एक्शन रहता है आपका, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे को एक शॉटगन मिला था और इस घर के अंदर से मेरे को एक मिनी 14 मिला था। तो मिनी 14 मैंने ले लिया और मिनी 14 से एक बंदे को लुढ़का दिया था। तो वो फिर मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो है मैं थॉमसन चैलेंज भी करूँगा एपीपी मोड में और अच्छा भी रहता है। तो ये देखिए मेरे पास मिनी 14 है और मैं इस घर से जो है एक बंदे को लुढ़काऊंगा, क्योंकि इस घर में मेरे को पता चल गया था बंदा है, लेकिन जब मैं इधर आया तो बंदा किसी और घर में मिला मेरे को। तो इसीलिए जो है मेरे को, मैं वैसे भी मेरे पास M24 भी था, तो मैं मिनी 14 से मारूंगा, M24 में यूज़ नहीं करूँगा। और ये किल मेरा मैटर नहीं करेगा क्योंकि मैं थॉमसन चैलेंज भी करने वाला हूँ। इस एक ही वीडियो पे मैंने दो चैलेंज किया और यहाँ पर देख सकते हो वो मतलब PPP ले रहा था एपीपी मोड में। भाई क्या है भाई, PPP नहीं है ये, PPP मोड का गेम प्ले है ये, PPP मोड की तरह खेलो, कैसे खेल रहा है ये बंदा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तो उसका गन ले लिया जाए। तो उसके बाद से मेरे को विक्टर मिला, तो विक्टर लेके मैं इधर उधर देखने लगा। तो आपका सामने का और आपका जो स्पीड होता है इंटेंस फाइट का, वो मैटर करता है एपीपी मोड में, आप कितनी जल्दी एक्शन कर पाते हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर जो है दो तीन बंदे थे, एक बंदा था जो नूब था, बहुत ही नूब था, आप देख सकते हैं, मतलब अभी नहीं देख सकते, मैं दिखाऊंगा आपको तभी देख सकते हैं। तो और दो बॉट थे, ठीक है ना। और मैं ये सर्वर पे दूसरे सर्वर पे खेल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ और मैं इतना मतलब एपीपी मोड अच्छा नहीं खेल लेता। तो यहाँ पर बंदे का फुटप्रिंट आ गया और मैंने दो फुटप्रिंट देखा, तो मुझे लगा कि कोई जो है ये नहीं कर रहा है, ये बॉट चला गया। और मुझे लगा कि कोई बॉट ये नहीं कर रहा है, टीम अप तो नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि बॉट टीम अप कैसे करेगा, बॉट तो खुद अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं देता, तो टीम अप कैसे करेगा। तो यहाँ से मैं जो है जब भी नीचे कूदा तो एक और बंदे का फुटप्रिंट मेरे को मिल गया था। तो मैं नीचे कूदते ही जो देखा वो बंदा इस घर के अंदर जब आया, तो मेरे को वो बंदे का फुटप्रिंट आया। तो मैं जब बाहर गया तो यही वो बंदा था और इसके पास UMP9 था। तो मैंने इसको 13 गोली मारा, ये खत्म हो गया। पर 13 गोली से क्या होता है यार, अगर एक्सटेंडेड मैग रहता तो विक्टर अच्छा नहीं था, ये मुझे इजीली मार सकता था, लेकिन ये इतना नूब था कि मेरे को मार ही नहीं पाया। तो यहाँ से मेरे को विक्टर मिल जाता तो मैं थॉमसन मिल जाता कि मैं थॉमसन ले लेता हूँ। और ये स्किन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि कुछ ना से कुछ अच्छा ही होना बेहतर रहता है। तो यहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना विक्टर को 4x में चलाएंगे और थॉमसन को क्लोजरिंग में चलाएंगे। तो ये मेरी गलती थी क्योंकि विक्टर क्लोज दूर के लिए मार सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये दूर का मार ही नहीं पाता। और यहाँ पर एक बंदा था, मेरे को पता चल गया था ये कोचिंग के पीछे की साइड है, उसके पास बैरल था और मैंने इसको 2-3 मारा, ये खत्म। और ये मेरे को इजीली मार सकता था, इसका शायद हेल्थ भी कम था इसलिए जल्दी खत्म हो गया। और ये बैरल था यार इसके पास, ये मेरे को इजीली मार सकता था। और बात यह कि जो विक्टर की गोली है दूर तक नहीं जा पाता क्योंकि ये 4 पॉइंट की गोली है और इतना मतलब दूर तक नहीं जा पाता कि एनिमी को मार दे। और यहाँ पर एक बंदा था जो मतलब पीछे की साइड चला गया और ऊपर चला गया, मैंने सोचा कि पीछे की साइड से आएगा। और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉट है या इंसान, मेरे को फर्स्ट लगा था बॉट है लेकिन ये इंसान था, क्योंकि इसके पास जो है मिनी 14 था और बॉट कभी भी शायद से कभी भी स्नाइपर मतलब लेके घूमता नहीं। अगर बॉट भी होता तो कोई बात नहीं क्योंकि ये तो सर्वर भी दूसरा है और यहाँ पर मैं अच्छी लीग में भी नहीं हूँ। तो यहाँ से मैं जा ही रहा था कि गटका की साइड मेरे को एक बगी मिला, तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहीं पर ही मेरी गलती हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जो बगी लेके यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ पर मेरे को एक यूजर रास्ते में मिलता है, तो मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। और मेरे को फर्स्ट में समझ में आया कि UAZ है, तो वैसे मेरे को एपीपी मोड का ड्राइविंग अच्छा लगता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, असली रियलिस्टिक फील कराता है। और UAZ तो मेरे को लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा और दौड़ के चला गया, लेकिन नहीं गाइस, उसका फुटप्रिंट भी आया और मेरे जो चुल मच गई थी कि उसको मारना ही है गाइस। तो मैं पीछे की तरफ गया और उस पेड़ की तरफ जाते ही मेरे को यहाँ पर बगी रुकती, तो मतलब रुका दिया। और यहाँ से मैं जब ये वहाँ से उसको मारने की कोशिश करा था विक्टर से 4x, और एक शॉट लगा उसको और वो गिली सूट पहन के था और उतना दूर जाता नहीं है गाइस, 60 मीटर दूर के बाद ही विक्टर जो है ड्रॉप होने लगता है उसका गोलियाँ मतलब। और यहाँ पर क्या होता है गाइस, आप खुद देख सकते हो, मैंने इसको विक्टर को रिलोड किया, यहाँ से मैं मतलब उसको चेक कर रहा था और वो देखिए दौड़ते हुए आ रहा था, मुझे पता नहीं चला कहाँ छुप गया। और यहाँ पर मैंने सारी गोली पेड़ पे मार दी और उसका एक हेडशॉट मेरे को डुबा दिया, देखा पूरा एक हेडशॉट का 98 का मैं खत्म। और इसके पास क्या था आपको दिखा देता हूँ, ये PrincE 5 पे था, ये मेरे से भी अच्छा खेल लेता था शायद PvP में क्योंकि इसका 12 किल्स है। और M16 है इसके पास, ब्रश मोड का गन है और कॉन्टेंटेड है, भाई क्या बात है। और मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं हार गया इसलिए नहीं, क्योंकि ये बंदा अच्छा खेल लेता है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये अच्छा खेल रहा है। और लेकिन एक बार डाउट हुई M16 से और कैसे खेल रहा था यार, अगर कोई ऑटो गन होता तो भी चलेगा। तो
और नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। और आज के वीडियो में सिर्फ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। शेयर ही नहीं करते आप, शेयर किया कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए क्योंकि कैसा लगा ये वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।